ISIS. They came the destruction to all millions of people. एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुट्ठी में दुनिया के दो देश सीरिया और इराक थे, जिसकी आर्मी की स्ट्रेंथ दुनिया के फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाले देश इजराइल से भी ज्यादा थी, जिसका टेरर प्रेजेंस 86 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ था और जिस ऑर्गेनाइजेशन की डेली अर्निंग्स 3 मिलियन $3 million की थी। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ये कहा था, ISIS को US ने दुनिया के मैप से मिटा दिया है और ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी US के हाथों एक कायर की मौत मारा गया है। अबू बकर अल बगदादी इज डेड। ही वाज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ ISIS। ही डाइड लाइक अ डॉग। ही डाइड लाइक अ कोवर्ड। डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की हर न्यूज एजेंसी बस सिर्फ एक ही बात को कवर कर रही थी, बगदादी इज डेड और ISIS पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। But wait over here. इसी साल 6 नवंबर को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने दो टेररिस्ट को अरेस्ट किया। यूपी स्टेट में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन में ये टेररिस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकले? ISIS। और इंडिया का ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। 16 अक्टूबर 2023 को बेल्जियम में दो लोगों को ISIS टेररिस्ट ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ऐसे ही हमारे पास डेटा एंड फैक्ट्स है जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ इसी साल फ्रांस, अफगानिस्तान, कॉन्गो, सीरिया और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ISIS के अटैक्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि USA के पब्लिकली अनाउंस करने के बावजूद ये ISIS आखिर जिंदा कैसे और ये अचानक से इतनी तेजी से कैसे फैल रहे? क्या US ने कभी ISIS को खत्म किया ही नहीं? Well, इसका जवाब है हां भी और ना भी। US का बगदादी को मारने वाला ऑपरेशन तो अल्ट्रा सक्सेसफुल रहा, लेकिन उस ऑपरेशन के अंत में US से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। एक ऐसी चूक कि उसके वजह से ISIS ने दो नए स्ट्रेटजीज अपना लिए जो इतने सक्सेसफुल रहे कि आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन कैंसर की तरह फैल रही है और USA इसे रोक भी नहीं पा रहा। अक्टूबर 2019 US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली अनाउंस किया कि ISIS के फाउंडर एंड लीडर अबू बकर अल बगदादी को US स्पेशल फोर्सेस ने सीरिया में मार गिराया और उसे मारना US की टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में जिस मिशन के लिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, उस मिशन में दुनिया की ऑलमोस्ट आधी कंट्रीज, टोटल 86 कंट्रीज ने US का साथ दिया था। लेकिन आयरोनिकली अंत में बगदादी ने एक कुत्ते से डर के आत्महत्या कर ली थी। सो बेसिकली यहां पर दिस वॉज अ ग्लोबल मिशन। इनफैक्ट US के लिए ISIS को खत्म करना इतना जरूरी हो गया था कि उसने अपने कट्टर दुश्मन रशिया से भी हाथ मिला लिया था। I want to thank the nations of Russia for certain support they were able to give us. उन सारे 86 कंट्रीज ने ISIS को मारने के लिए एक स्पेशल ग्रुप ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट ISIS भी फॉर्म कर लिया था उस वक्त। अब यहाँ पर उस वक्त US के हिसाब से ISIS को एक झटके में खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसके लीडर बगदादी को ही खत्म कर दो तो ISIS अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए US ने ISIS हेड बगदादी को ही अपना टारगेट बनाया और उसे मार गिराया। पर यह मिशन कोई आसान मिशन बिल्कुल नहीं था। बगदादी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उस तक से पहुंचने में US जैसे सुपर पावर को ऑलमोस्ट 6 साल लग गए। बगदादी काफी सीक्रेटिवली नॉर्दर्न सीरिया में लोकेटेड एक छोटे से गांव बरेशा के आउटस्कर्ट्स में रहता था और ये जगह इतनी ज्यादा आइसोलेटेड थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस जगह के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। बगदादी ने स्मार्टली अपने आप को सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दूर रखा था, जिससे वो कंप्लीटली अनट्रेसेबल था। इसके जगह वो बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट करने के लिए ह्यूमन मैसेंजर्स का सहारा लेता था। बेसिकली बगदादी कम्युनिकेट करने के लिए अपने किसी करीबी के थ्रू मैसेज को भेजा करता था और रिसीव करता। अब इसी वजह से यहां पर US ये समझ गया था कि अगर उन्होंने उसके मैसेंजर्स को पकड़ लिया तो समझ लो बगदादी मिल गया। और इसीलिए US ने फिर इंटेल का जाल बिछाना शुरू कर दिया। एंड इंटरेस्टिंगली ये जाल बिछने के कुछ ही महीनों बाद फाइनली US के हाथ लग गए उसके दो खुफिया मैसेंजर्स, एक बगदादी का एकदम करीबी आदमी और दूसरा उसकी खुद की बीवी। इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद वो बात सामने आ गई जिसे सुनने के लिए US ऑफिशियल्स के कान सदियों से तरस गए थे। अबू बकर अल बगदादी का लोकेशन। इन मैसेंजर्स के हिसाब से बगदादी नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के बारिशा गांव के एक काफी आइसोलेटेड और सीक्रेटिव कंपाउंड में रह रहा था।
नाउ ये इन्फॉर्मेशन सही था या बगदादी का कोई नया ट्रैप, इसे वेरीफाई करने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सीरियन और इराकी कर्डिश इंटेलिजेंस की मदद ली। इसके बाद तीनों एजेंसीज ने मिलकर वहां के लोकल्स को एज इंटेल एजेंट्स रिक्रूट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ, ह्यूमन इंटेल का एक ऐसा वेब क्रिएट कर दिया गया जिसने बगदादी की लोकेशन झट से वेरीफाई कर ली। इसके बाद उन्होंने बगदादी के हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। बगदादी किस रूट से आ जा रहा है, कहां पे रुक रहा है, सब कुछ US इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल रहा था। और फिर इसके बाद इन इंटेल सोर्सेस से बगदादी की लोकेशन का कंफर्मेशन मिलते ही US स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर में राउंड्स ऑफ डिस्कशन शुरू हो गए बगदादी के ऊपर ड्रोन से हमला किया जाए या एयर स्ट्राइक से उसे मारा जाए। बट इस डिस्कशन में यह फाइनल हुआ कि बगदादी को US स्पेशल फोर्सेस के कमांडोस उसके ही घर में घुस के मारेंगे। ये ग्राउंड ऑपरेशन का डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि बगदादी के मरने की फेक न्यूज पहले भी कई बार वायरल हो चुकी थी, मगर इस बार US उसकी डेथ को लेकर एकदम श्योर होना चाहता था और इतने साल बाद मिले इस मौके को US ऑफिशियल्स किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। और इसीलिए US स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने इस मिशन की एक प्रॉपर प्लानिंग और ब्लूप्रिंट प्रेसिडेंट को सबमिट की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अप्रूव करते हुए इस ऑपरेशन का नाम एक अमेरिकन हॉस्टेज काइला म्यूलर जी के नाम पर रखा। इवन जो US स्पेशल फोर्स इस मिशन पे जा रही थी उन्होंने भी अपने स्क्वाड का नाम काइला म्यूलर जी के बर्थ डेट पर रखा। काइला म्यूलर बेसिकली एक अमेरिकन ह्यूमन एड वर्कर थी जिन्हें साल 2013 में ISIS ने टर्की बॉर्डर से किडनैप करके मार डाला था एंड अनफॉर्चुनेटली उनका खुद बगदादी ने भी कई बार रेप किया था और इसीलिए उन्हें ऑनर करने के लिए US ने ये डिसीजन लिया। अब पूरा प्लान सेट था, बस एग्जीक्यूशन की देरी थी जिसकी तारीख 26 अक्टूबर 2019 चुनी गई। उसी शाम 5 बजे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाकी के ट्राई फोर्सेस के चीफ्स भी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। लेकिन ऑपरेशन काइला म्यूलर के स्टार्ट होते ही उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए। पहला प्रॉब्लम तो था फोर्सेस का बिना दुश्मन के रेडार में डिटेक्ट हुए लोकेशन तक पहुंचना, पर हेलीकॉप्टर से लो फ्लाई करते हुए इराक से नॉर्दर्न सीरिया तक जाना एक सबसे बड़ा सुइसाइड स्टेप था क्योंकि इन सारे रूट्स को अगर आप मैप में देखोगे तो मोसुल से सीरिया तक कई ISIS कंट्रोल सिटीज इस रूट में आते हैं जहां इन लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स पर अटैक होने के हाई चांसेस थे और इसीलिए यहां पर बहुत ही टैक्टिकली नेविगेट करना extremely important था। So 26 October 2019 की रात को इराक में located Erbil Airbase से US Special Forces Apache और Chinook जैसे 8 attack helicopters में बगदादी की तरफ रवाना हो गए और इन सब cities से tactfully बचते हुए US forces सीरिया तो पहुंच गए, but अभी भी खतरा टला नहीं था। In fact यहां से operation का सबसे crucial stage start हो गया क्योंकि सीरिया के Idlib से बरिशा village तक का distance 112 किलोमीटर था और यहां पर low fly करना पूरे जर्नी का सबसे चैलेंजिंग और डेंजरस पार्ट था क्योंकि इस पूरे डिस्टेंस के बीच जितने भी गांव थे वो सभी या तो बगदादी के सपोर्टर्स थे या फिर उसके बॉडीगार्ड्स या ISIS फाइटर्स थे और वहां कुछ घरों में तो बगदादी के कई सारे बच्चे भी रहते थे। पर इन सब से बचते हुए आखिरकार US आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स बारिशा विलेज के उस कॉम्पाउंड के पास पहुंच जाते हैं जहां बगदादी रह रहा था। अब उस घर में बगदादी अकेले ही रह रहा था, बट फिर भी US फोर्सेस किसी भी बूबी ट्रैप का शिकार नहीं होना चाहते थे और इसीलिए US सोल्जर्स ने दरवाजे और खिड़कियों से जाने के बजाय दीवारों को ब्लास्ट करते हुए अंदर जाना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर कहानी लेती है एक बड़ा कॉमेडी ट्विस्ट। US स्पेशल फोर्सेस अपने साथ एक स्पेशली ट्रेन मिलिट्री डॉग कॉनन को भी अपने साथ उस कंपाउंड में लेके गए। तो जैसे ही सोल्जर्स ने लाउड स्पीकर्स पर बगदादी और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए अनाउंस किया ताकि कम से कम कैजुअल्टीज हो, इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद 11 बच्चे और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया जिनको चेक करके सेफली बाहर निकाला गया। बट कुछ 5 लोग US फोर्सेस पर काउंटर अटैक करने लगे जिन्हें स्पेशल फोर्सेस को मजबूरन मारना पड़ा। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी US का मिलिट्री डॉग कॉनन उसी कॉम्पाउंड में प्रेजेंट एक अंडरग्राउंड टनल की तरफ स्निफ करते हुए भागा। जैसे ही उस डॉग ने टनल के अंदर एंटर किया, वहां से एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की और रोकर टनल के एंड तक भागने की आवाज आने लग गई। बिल्कुल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर द मोस्ट वांटेड अबू बकर अल बगदादी था, जो अपने साथ बाय द वे 12 साल से भी कम के 3 बच्चों को लेकर
बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में बगदादी को समझ आ गया कि अब उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं है, आगे टनल खत्म हो चुका था। और दूसरी तरफ जाहिर है अगर यूएस स्निफर डॉग वहां तक पहुंच गया तो उसके पीछे भी यूएस फोर्सेस भी आ ही रहे होंगे, और इसीलिए बगदादी ने तुरंत एक बटन दबाया और अपने सुइसाइड बॉम्ब वेस्ट को एक झटके में डेटोनेट कर दिया। इससे एक धमाकेदार ब्लास्ट की आवाज आई और जैसे यूएस फोर्सेस वहां पर पहुंचे बगदादी और उसके तीन बच्चे मर चुके थे। ये पूरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट 2 घंटों तक चला, लेकिन बगदादी के खुद को डेटोनेट करने के बाद भी यूएस फोर्सेस ने डबल श्योर होने के लिए 15 मिनट का डीएनए टेस्ट करवाया, उसके बॉडी के चिथड़ों से वेरीफाई किया कि यस वो वाकई में बगदादी ही था। इस डीएनए टेस्टिंग के कंपैरिजन के लिए सीरियन फोर्सेस द्वारा चुराए गए बगदादी के इनरवेयर से डीएनए सैंपल मैच किया गया एंड 101% कंफर्म होने के बाद ही दुनिया में ऐलान किया गया कि बगदादी मारा गया है। लेकिन पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती। आज बगदादी के मरने के बाद भी जो अटैक्स दुनिया भर में हो रहे हैं वो होना तय था, क्योंकि ISIS एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिसको बगदादी के बाद टिल डेट 5 अलग अलग कलीफ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जैसे बगदादी के मरते ही सेकेंड कलीफ बना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल खुराश, लेकिन 2 फरवरी 2022 को जैसे यूएस फोर्सेज अल खुराशी को सीरिया में घेरती है वैसे ये भी खुद को सुइसाइड बॉम्ब से डेटोनेट कर लेता है। फिर इसके बाद तीसरा खलीफ बनता है अबू अल हसन अल हाशिमी अल खुराशी, ये भी खुद को सीरियन फोर्सेस के डर से सुइसाइड बॉम्बिंग से मार लेता है। ISIS के चौथे खलीफ अबू अल हुसैन की मौत तो सीरिया के ही एक लोकल ग्रुप तहरीर अल शाम के साथ क्लैश में हो जाती है, और ऐसे करके एक के बाद एक सारे लीडर्स मारे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द लीडर्स के असैसिनेशन के पीछे यूएस का ही हाथ है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? वेल, यही पैटर्न बन जाता है यूएसए का सबसे बड़ा मिस्टेक। यूएसए से चूक ये हो गई कि जाने अनजाने में ISIS यूएसए का यही पैटर्न समझ गया। उन्हें ये आभास हो गया कि यूएसए डायरेक्टली हमारे लीडर्स को मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा लीडर कौन है, कैसा दिखता है और पब्लिकली क्या और कहां बोलता है। तो ऐसे में कैसा रहेगा अगर हमारा अगला लीडर फेसलेस हो तो? और एग्जैक्टली ISIS का अगला और एट प्रेजेंट खलीफ है अबू हफ्स। इसे एक फेसलेस खलीफ बोला जाता है क्योंकि आज तक पब्लिक डोमेन में इसकी कोई कंफर्म्ड पिक्चर नहीं अपलोड हुई है। लेकिन अंत में बात यही है कि ISIS के हर एक खलीफ को मरने के बावजूद वहां पर एक नया खलीफ खड़ा हो जाता है, और बस इसीलिए कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएस का बगदादी को मारने का ऑपरेशन कायला म्यूलर सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि वो ISIS को जड़ से मारने में अब तक कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन आज जिस रफ्तार से ISIS दिन ब दिन कैंसर की तरफ फैलते जा रहा है, इसके पीछे का राज ISIS के स्ट्रक्चर में भी छुपा हुआ है। तो ISIS एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सलाफी मुस्लिम सेक्ट आइडियोलॉजी वाला टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे साल 2004 में अबू मुसब अल जरकावी ने एक दूसरे टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा से सेपरेट होकर बनाया था। उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलकायदा इराक हुआ करता था, बट जब 2010 में अलकायदा के ऊपर हो रहे एयर स्ट्राइक में जरकावी मारा गया तब से इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान अबू बकर अल बगदादी ने संभाली, जिसने साल 2010 में मेजॉरिटी इराक और सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हिस्टोरिक इन्वेजन के बाद बगदादी ने खुद को द फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और इस कैप्चर्ड लैंड को कैलिफेट यानी अ लैंड अंडर इस्लामिक रूल डिक्लेयर कर दिया, और इसके बाद से AQI बन गया ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये नया ISIS पहले से भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए था क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी लिटरली कैंसर की तरह पूरी दुनिया में फैलाते गए। इनका पहला तरीका था लोगों को डायरेक्टली उनके आर्मी में भर्ती करवाना। ISIS अक्सर लैंड्स को कैप्चर करती थी और फिर वहां के लोगों को दो तरीकों से ISIS आर्मी में शामिल करती थी, एक फोर्सफुली और दूसरा रेडिकलाइजेशन फैलाकर। इस हैवी रिक्रूटमेंट से ISIS के पास अपने पीक पीरियड में ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा की आर्मी हो गई थी, जो कि मिडल ईस्ट और वर्ल्ड की फोर्थ पावरफुल कंट्री इजराइल की आर्मी से भी 25% ज्यादा थी। कैन यू इमेजिन दैट? इन कैप्चर्ड रिक्रूट्स के अलावा साल 2015 तक ISIS ने दुनिया भर से ऑलमोस्ट 30,000 प्लस लोगों को रिक्रूट किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 66 इंडियंस भी थे। अब ISIS ने जो दूसरा प्रोसेस अपनाया वो इतना यूनिक था कि आज भी इसके वजह से ISIS बिना किसी प्रॉपर सेटअप के एक्टिव है, और जिससे ISIS सिर्फ सीरिया इराक में ही फिजिकली कॉन्सेंट्रेटेड होने के बावजूद दूर देशों तक जैसे कि फ्रांस स्वीडन US और अन्य कंट्रीज के लोगों को गुमराह करके उनमें अपनी मानसिकता डाल के उन्हें टेररिस्ट में कन्वर्ट कर पाती है।
ये स्ट्रेटेजी है लोन वुल्फ अटैक स्ट्रेटेजी। साल 2016 यूएस के ऑरलैंडो में एक अकेले आईएसआईएस अटैकर ने नाइट क्लब में ओपन फायरिंग करके 49 लोगों की जान ले ली और 58 लोगों को इंजर कर दिया। उसी साल फ्रांस के बसील डे परेड में भी एक आईएसआईएस रेडिकलाइज इंसान ने एक ट्रक से 86 लोगों की जान ले ली और करीब 434 लोगों को इंजर कर दिया। साल 2017 यूके में एक मशहूर अमेरिकन पॉप सिंगर अरियाना ग्रैंड की म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एक सुइसाइड बॉम्बर ने अपने साथ 22 लोगों की जान ले ली और 239 लोग घायल हो गए। ये सारे अटैक्स आईएसआईएस के लोन वुल्फ्स ने किए, क्योंकि इन सारे अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने लेते हुए उन अटैकर्स को कई बार पब्लिकली प्रेज भी किया है। आईएसआईएस के पास ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स की पूरी आर्मी है, जो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने यूएस और यूरोप के कई कंट्रीज में अब तक 1200 प्लस किलिंग्स की है, और ये सब कुछ बिना आईएसआईएस के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए। बेसिकली ये होता ऐसे है, जिनको भी आईएसआईएस ऑन साइट यानी कि सीरिया में रिक्रूट नहीं कर पाती, उनको वो लाखों किलोमीटर दूर बैठे ऑनलाइन ही रेडिकलाइज करके रिक्रूट कर लेते हैं और उनके साथ अक्सर उनके ही देश में लोन वुल्फ अटैक्स प्लान करते हैं। बेसिकली लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है जो एक ही इंसान अकेला पूरा प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से आईएसआईएस इस लोन वुल्फ अटैक वाली आर्ट को मास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं। एंड कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये भी एक मेन रीजन हो सकता है बगदादी के मरने के बाद भी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आईएसआईएस अटैक्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं अपने एजेंडा को आगे फैलाने के लिए। सो क्या आपके हिसाब से इन अटैक्स को रोका जा सकता है? क्या आईएसआईएस की न्यू स्ट्रैटेजीज पर पानी फेरा जा सकता है, या फिर दे विल कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट? अपने ओपिनियंस को नीचे कॉमेंट्स में जरूर शेयर करना, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो इस बारे में। और यूएस का सिर्फ आईएसआईएस ही बड़ा दुश्मन नहीं था, बल्कि हाल ही में खबर ऐसी आई है कि यूएसए हिरोशिमा से भी 25 गुना ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पीछे एग्जैक्ट वजह क्या हो सकती है? क्या इसराइल पैलेस्टीन वजह है, या फिर यूएसए चाइना को काउंटर करना चाहता है? आपको क्या लगता है? वेल, इस मुद्दे पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना लिया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर नॉलेज फिल्ड वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।